श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ में 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तीर्थ को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंदा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रज मंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में अग्रसेन राजा राज्य करते थे। अग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, ना देवकी होगी ना उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुजा भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रख कर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्वतः बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई, पहरेदार जग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है।
यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर अग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्मतिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है।